धनतेरस के साथ दिवाली का त्योहार शुरू हो जाएगा। धन त्रयोदशी और धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में भी त्योहार को जाना जाता है और इसी त्योहार से दिवाली की शुरुआत होती है। नई शुरुआत करने, सोना और चांदी, नए बर्तन और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए एक शुभ दिन धनतेरस माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या 13वें चंद्र दिवस पर यह त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म सागर मंथन के दौरान एक हाथ में अमृत से भरा बर्तन और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के साथ हुआ था। उन्हें स्वास्थ्य उपचार और आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिंदू भगवान माना जाता है और उन्हें दुनिया भर में आयुर्वेद का ज्ञान फैलाने का काम सौंपा गया था। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पे वैसे तो बहुत सी चीजें खरीदना शुभ बताया गया है, जैसे सोना चांदी हम धनतेरस पे खरीदते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन नमक खरीदना बेहद शुभ होता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के शुभ दिन नमक क्यों खरीदना चाहिए और इसके पीछे क्या कहानी है और नमक से कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धनतेरस पे नमक क्यों खरीदना चाहिए। धनतेरस के पावन पर्व पर सोना चांदी बर्तन झाड़ू खरीदने के साथ साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन में खुशहाली आती है। धनतेरस पे नमक खरीद समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदें। नमक आपको खुद के पैसों से ही खरीदना है, किसी से उधार या खर्च लेकर आप नमक ना खरीदें, किसी से नमक मांग कर ना लें। खरीदे हुए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस नमक को पानी में डालकर पोंछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दुख दारिद्र सब समाप्त हो जाता है। धनतेरस पर नमक के उपाय भी बताए गए हैं। जी हाँ, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदे तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन बनाने में करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। यदि घर में कलेश बढ़ रहा है तो लाए हुए नए नमक से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोंछा लगाएं। नमक के पानी से पोंछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की कलेश दूर हो जाती है। धनतेरस के दिन घर के कोने में एक कांच की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें, इससे धन दौलत में कमी नहीं आती और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। धनतेरस के दिन बच्चों को नमक वाले पानी से स्नान कराएं, इससे बच्चा बुरी नजर से बचता है और वह स्वस्थ भी रहता है। यदि आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो थोड़ा सा नमक हाथ में लेकर सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दें, इससे बिजनेस में तरक्की होती है। ये सारी चीजें हमने पंडित और ज्योतिषाचार्यों के बताए हुए आधार पर आपको बताई हैं। अगर आप ये सारे उपाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, और अगर आप इन उपायों के बारे में अपने पंडित से जानना चाहते हैं तो जरूर जानिए और उसके बाद ही ये सारे उपाय करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।